हारमोनियम प्लेइंग में और कीबोर्ड प्लेइंग में, या फिर जिसे हम आम भाषा में पियानो भी कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है, आज उस बारे में चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ हमारे ही एक पुराने स्टूडेंट होंगे जो आपको कीबोर्ड बजा कर दिखाएंगे और मैं आपको हारमोनियम बजा कर दिखाऊंगा, तो वो डिफरेंस आपको मालूम चलेगा कि हाथ का थोड़ा फ़र्क होता है। लगभग लगभग सेम ही है क्योंकि वही कीज़ हैं, वही सुर है, वही सिलेबस है, लेकिन स्टाइल ऑफ प्लेइंग में फ़र्क होता है और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है उसे और कहाँ नहीं, गाने के साथ क्या इस्तेमाल होगा और होगा तो कैसे इस्तेमाल होगा, इस पर पूरी चर्चा की जाएगी। ताकि क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन है, कई लोग कीबोर्ड सीखना चाहते हैं लेकिन हारमोनियम जैसा सीखते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं कीबोर्ड जैसा सीखते हैं, तो क्या इसका कुल मिला के बनता है सिस्टम, वो आज हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया इश्क में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे कीबोर्ड प्लेयर को, दर्श भल्ला इनका नाम है और हमारे ही ये एक्स स्टूडेंट हैं, पहले हमसे ही सीखा करते थे, फिर इन्होंने कीबोर्ड की ट्रेनिंग जो है फर्दर आगे ली है। तो आज थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम जानेंगे। डिफरेंस जानने से पहले ये हम जान लेते हैं कि हारमोनियम और कीबोर्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम वोकल सीखना चाह रहे हैं, गाना सीखना चाह रहे हैं, तो हम क्या कीबोर्ड पर भी रियाज कर सकते हैं या कीबोर्ड पर भी गा सकते हैं, तो जिसके लिए मैंने हमेशा आपको मना किया है। मना क्यों किया है? कीबोर्ड का साउंड मैकेनिकल है, हारमोनियम भी एक मशीन ही है, लेकिन इसका साउंड गले से ज़्यादा करीब है। जैसे कि माना जाता है कि सारंगी या वायलिन का सबसे ज़्यादा करीब है कि वो गले की हर बारीकी को अच्छे से पकड़ सकता है। उसके बाद हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा करते हैं गाने के लिए तो वो हारमोनियम है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि गाने के साथ आपने देखा होगा गज़ल गायक हों या भजन गायक हों, हारमोनियम उनके साथ ही रहता है और उसी के सहारे से वो आपको प्रस्तुत करते हैं, साथ में म्यूज़िक भी देते हैं उस पर। आपने देखा होगा इंडियन क्लासिकल जो वोकल है उसमें जो आर्टिस्ट है वो हारमोनियम बजा कर नहीं गाता है, बल्कि जो वो गा रहा होता है उसके साथ हारमोनियम बजता है, जिसे हम हारमोनियम की संगत कहते हैं। अब उस संगत में हारमोनियम वाले को पता नहीं है कि गाने वाला क्या गाने वाला है, बिकॉज गाने वाले को खुद को भी नहीं पता होता है, बिकॉज इट्स ऑल इम्प्रोवाइज्ड, वो उसी समय जन्म ले रहा होता है। अगर हम शास्त्रीय संगीत राग की बात कर रहे हैं, राग के विस्तार में जो वो आलापतान लेगा, जो वो मुखड़े के वेरिएशंस करेगा, वो उसी समय जन्म ले रहे हैं, तो वो उसको भी नहीं पता है। वो सुनकर हारमोनियम वाला या जो भी संगतकार हैं, सितार है या फ्लूट है, जो भी है वो संगत जो भी कर रहा है, उमूमन तो हारमोनियम ही होती है संगत में, तो वो उनको सुन के पकड़ते हैं। यही चीज़ वैसे देखा जाए तो कीबोर्ड आर्टिस्ट भी करते हैं, क्योंकि संगतकार हैं तो जो हम गा रहे हैं एग्जैक्टली, अगर वो फिक्स्ड चीज़ है, रिहर्स्ड है, तो बात अलग है कि हमने दोनों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन अगर वो एक लाइव चीज़ है, एट द स्पॉट हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएट कर रहे हैं, तो कीबोर्ड भी आपको सुनकर ही संगत करनी होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कीबोर्ड, अगर इस वर्ड पर ध्यान दिया जाए तो आप देखते हैं आपके कंप्यूटर के साथ भी एक कीबोर्ड आता है, लैपटॉप में भी एक कीबोर्ड आता है, हारमोनियम में भी एक कीबोर्ड होता है और जो पियानो है उसमें भी एक कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड का सरल सा अर्थ है कि जिस बोर्ड पर कीज़ होती हैं तो वो कीबोर्ड कहलाता है। हारमोनियम के अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट कीबोर्ड है, एक धमन है ना, एक स्टॉपर्स हैं, नॉब्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं। उसी तरह से पियानो का ही एक पार्ट है वो जिसमें आपको कीज़ नज़र आती हैं, उसे कीबोर्ड कहा जाता है। तो हम उमूमन इस कीबोर्ड वर्ड का इस्तेमाल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं तो वो नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे सिंथेसाइज़र भी एक चीज़ होती है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो एक अलग साउंड है। ये जो साउंड्स हैं, जैसे सिंथेसाइज़र है या पियानो है, ये साउंड्स हैं और जो बजता है, जिस पर बज रहा है वो कीबोर्ड है, क्योंकि उसमें कीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ इस्तेमाल करने की बातें हो गई। अब जैसा कि आपने देखा होगा उमूमन कीबोर्ड्स सपोर्ट में बजते हैं, कीबोर्ड बजाकर गाना वो एक अलग विधा है। कीबोर्ड बजाकर गाने में आप कीबोर्ड में सिर्फ कॉर्ड्स ले रहे हैं, यानी आप एम्बियंस ले रहे हैं अपने सुरों का, आप प्रॉपर एक एक नोट बजा के नहीं गाते हैं जैसा कि हम हारमोनियम में करते हैं। जैसा कि अभी छोटा सा एग्जांपल अगर आपको देखे बताऊं, तो ये मैंने सा लगाया, सा ग म ध नि, तो जो जो मैं गा रहा हूँ वो मैं बजा रहा हूँ, ग म ध नि सा ध नि ध ग म ग ग नि सा ग म रे नि ध सा। और एक कॉर्ड्स लगा के अगर मैं गाता हूं, रे ना ए ना 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 ना,
एक ये स्टाइल आपने देखा कि मैं इसको भरमा हारमोनियम भी कहा जाता है, कि मैं दूसरे सुरों का प्रयोग करके यानी कॉर्ड्स का प्रयोग करके बेसिकली स्वर संवाद बिठाकर मैं भराव लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना इसी को मैं यानी जो जो सुर गाया वो सुर बजाया, एक ये तरीका है। ये कीबोर्ड में नहीं होता है, कीबोर्ड को ऐसे बजा के नहीं गाया जाता है, यानी पियानो को ऐसे बजा के नहीं गाया जाता है। अब जैसा कि आप देखेंगे एक्चुअली में पियानो ग्रैंड पियानो होता है, वो बड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है जो दो हाथों से बजता है और उसका उसमें सस्टेन के लिए आप पाँवों से भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हारमोनियम का भी एक प्रकार आता है लेग हारमोनियम। एक्चुअली में देखा जाए तो पियानो को ही देखकर हारमोनियम का निर्माण किया गया और पियानो पहले वैसा ही हुआ करता था जिसमें दो हाथ और दोनों पाँव का इस्तेमाल होता था साउंड निकालने के लिए। दो हाथ से तो बजाएंगे और पाँव से एक टाइप की धमन उसमें इस्तेमाल होती थी, जैसा कि आप हारमोनियम देख सकते हैं एक बेलो होती है। अब उसका ही एक शॉर्ट वर्जन बना दिया गया बाद में जिसमें बेलो पाँव की जगह यहाँ हाथ में आ गई कि लेफ्ट हैंड से आप हाथ से बजाते हैं, वरना आज भी आप देखेंगे पुणे में महाराष्ट्र में लेग हारमोनियम का इस्तेमाल होता है और दोनों हाथों से बजाया जाता है, धमन उसकी नीचे होती है जिसे पाँव से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सिलाई की मशीन होती है आप देखते हैं वो पाँव से उसका जो है जो सर्कल है साइकिल है वो चलाई जाती है और एक हाथ से उसका काम होता है, तो यही प्रोसेस जो है हारमोनियम के दोनों प्रकारों में होता है। एक वो बड़ा हारमोनियम लेग हारमोनियम में जो आजकल इतना इस्तेमाल नहीं आता है, ज़्यादातर लोग यही पॉकेट हारमोनियम कह लो इसको या पोर्टेबल हारमोनियम कह लो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो इस्तेमाल की बात हो गई, कीबोर्ड पर गाना कैसे है वो इस्तेमाल हो गया कि जब आप कीबोर्ड पर गाएंगे तो कॉर्ड्स आएंगे, जैसे कि ये जो अभी मैंने किया था यही स्टाइल होता है। अब इसमें ये काम मैंने एक ही हाथ से किया और जो कीबोर्ड आर्टिस्ट होंगे जो पियानिस्ट होंगे वो ये काम दो हाथों से करते हैं कि एक से वो की कॉर्ड्स लगाएंगे लेफ्ट से और राइट से वो लीड बजाएंगे, और इनफैक्ट वो राइट से भी कभी कभार कॉर्ड्स लगाते हैं, दोनों हाथ से कॉर्ड्स लगाते हैं, वो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको फर्दर आप जानेंगे सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन एक फ़र्क है जो हम जान लें। अच्छा, ये फ़र्क मैं क्यों बता रहा हूँ, उमूमन मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर भी लोग कीबोर्ड सिखा रहे हैं लेकिन कीबोर्ड वो सिखा रहे हैं हारमोनियम के अंदाज़ में, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं होगा कि मेरे एक वीडियो बनाने से वो डायरेक्शन बदल जाएगा या लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट मेरी जो जनता है यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ आएगा कि कीबोर्ड बजाना अलग होता है, हारमोनियम बजाना अलग होता है, हारमोनियम का हाथ कीबोर्ड पर नहीं रखा जा सकता है। तरीके वही हैं, वही उंगलियां लगेंगी, वही अलंकार हैं, वही सुर है, लेकिन कुछ टेक्निक अलग हो जाती है बजाने की। जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूँ सिंगिंग में भी अलग होता है, आप फिल्मी गा रहे हैं तो आपका वॉइस थ्रो अलग हो जाएगा, वॉइस प्रोडक्शन पूरा अलग होगा, और यही आप क्लासिकल गा रहे हैं तो थ्रोट का जो लगाव है वो अलग होता है, गज़ल गा रहे हैं तो अलग होता है, भजन गा रहे हैं तो अलग होता है, यानी हर एक प्रकार की सिंगिंग है उसका अपना एक स्टाइल होता है, तो हर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना एक स्टाइल होता है। ये बताने के पीछे मेरा एक और रीज़न भी है, वो ये है जो लोग प्रोडक्शन करते हैं स्टूडियो में काम करते हैं मिडी का इस्तेमाल करते हैं, मिडी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब आपको उसमें कई सारे VSTs प्लगइन्स के द्वारा कई सारे साउंड्स मिल जाते हैं, यानी आप कीबोर्ड ही बजाएंगे लेकिन सितार का साउंड आएगा, कीबोर्ड बजाएंगे तबले का साउंड आएगा, कीबोर्ड बजाएंगे फ्लूट का साउंड आएगा, लेकिन सिर्फ साउंड आ जाना उस इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं करता है, उसका स्टाइल आना वो डिफाइन करता है। फ्लूट हारमोनियम की तरह नहीं बजेगी, फ्लूट कीबोर्ड की तरह नहीं बजेगी, जैसे फ्लूट बजती है उसकी जो आस है सितार में जो मींड लगती है जो जमजमा लगता है या जो गमक गायकी में लगती है वो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक तासीर है, उसका अपना एक टेक्सचर है, वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से हारमोनियम में थोड़ा सा करके बताऊं कि अगर मैं प्रॉपर बजाऊंगा तो अलंकार कैसे बजते हैं। हारमोनियम में भी मैंने दो तरीके बताए हैं आपको करने के हारमोनियम बजाने के, अगर आप गाने के साथ बजाते हैं तो कैसा बजता है और इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल होता है वो कैसा बजता है। अब गाने के साथ बजेगा तो पूरा पूरा सुर मिलेगा, क्यों, क्योंकि पूरी आस आपको चाहिए, जैसे कि सा ग म ग म ध नि ध ग म ग याद पिया की आए हाय राम याद पिया की आए। अब इसमें आप देख रहे हैं मैं पूरा पूरा सुर ले रहा हूँ प्लस भरमा भी ले रहा हूँ, यानी सामा धा सा कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो स्वर संवाद है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सागा प का इस्तेमाल करूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है इंस्ट्रूमेंटल, यानी जब आप सिर्फ बजाते हैं तो
ये इंस्ट्रूमेंटल का अंदाज है, ये हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंटल के अंदाज के लिए मैंने क्या बोला है, तरीका क्या होता है, हाथ उठ उठ के लगता है, ये अलंकार बजता है तो ऐसे बजता है, पूरा सुर नहीं बजता है। इस तरह से ताकि आप कोई भी स्पीड में जो है शिफ्ट कर सकें, ये इंस्ट्रूमेंटल अंदाज है। लेकिन जब गायकी के साथ बजेगा तो टूट टूट के नहीं, ऐसे नहीं के सा रे ग म प ध नि सा, ऐसा नहीं होता है, सा रे ग म प ध नि सा, पूरे पूरे नोट को बजा के सस्टेन करके आस दे कर ताकि सुर मिले। हम हारमोनियम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सुर के सपोर्ट के लिए। अगर आप ऐसे ऐसे बजाएंगे तो सुर का सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा सुर बज ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका हुआ हारमोनियम को बजाने का, वो भी दो तरीके से, एक इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल, एक वोकल के सपोर्ट के साथ। अब हम कीबोर्ड को देखते हैं कि कीबोर्ड कैसे बजाया जाता है। तो कीबोर्ड पे इन्हीं सुरों में आप अगर कुछ कॉर्ड्स का प्रयोग करें, अब आप देख रहे हैं जैसा जैसा मैं हारमोनियम बजा रहा हूं उसके पीछे कीबोर्ड बज रहा है। हाथ की पोजीशन से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि कितना फ्री हैंड हाथ रखा जाता है और बिल्कुल भी उठ उठ के नहीं बज रहा है, यानी लीडिंग देखिए कितना कम होती है। अगर वोकल के बैकग्राउंड में जाएगा, जैसे अभी मैं कुछ गाऊं तो तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पीछे ऐसे नहीं बजा रहे हैं कि मैंने अगर गाया रे री, एक एक सुर नहीं बजाया, इन्होंने भराव दिया, कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ प्लेइंग अ कीबोर्ड, ये पियानो बजाने का अंदाज है बेसिकली देखा जाए तो। अब इसके साउंड में अगर ये जो साउंड आ रहा है आपको, जो टन टन का साउंड है, ये पियानो का साउंड है, इसी की जगह सिंथेसाइजर का साउंड होता है। तो सिंथेसाइजर का साउंड अलग होता है, वो रेगुलर होता है, जिसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, और वो स्ट्रिंग्स बेसिकली वायलिन की स्ट्रिंग्स होती हैं, तार उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग्स मतलब वायलिन का एक सेट होता है, यानी 4 से 5 या 10 से 12 वायलिन आप देखते होंगे पुरानी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ करते थे, लता जी के, रफ़ी साहब के टाइम पे जो गाने होते थे उनका जो म्यूज़िक होता था उसमें इतने सारे वायलिन एक साथ बजते थे, तो उसे स्ट्रिंग सेक्शन कहा जाता था। ये ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक का बहुत सारा टाइप है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स का टाइप है। इंडियन क्लासिकल में हमने फ्यूज किया है, लेकिन ये फ्यूज होता नहीं है, मतलब पहले नहीं होता था, अब धीरे धीरे हम उसका चलन इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये इंडियन क्लासिकल का पार्ट नहीं है बेसिकली, ये मैं कहना चाहता हूं। तो हारमोनियम को हारमोनियम की तरह बजाएं, कीबोर्ड को कीबोर्ड की तरह बजाएं। अब अगर कीबोर्ड पे भी आप क्लासिकल बजाना चाहें तो कैसे बजेगा, अब जैसे कि आप देखेंगे मैं एक चीज बजाऊंगा, उसे दर्श जो है वो रिपीट करके बताएंगे, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि कीबोर्ड पर अगर आपको हारमोनियम का स्टाइल बजाना हो, जो इंडियन क्लासिकल लोग बजाते हैं कीबोर्ड पर भी बजाते हैं, तो वो कैसे बजता है। मेरे पीछे पीछे बजाएं, लीड लीड करना है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई बंदिश बजाऊं या कोई भी एक ऐसा पीस बजाऊं जो इंस्ट्रूमेंटल की चीज़ है, उसको अगर आप कीबोर्ड पे बजा के देखेंगे तो कैसे बजेगा, और सिंगल हैंडेडली। अभी आपने देखा ये दो हाथ से बजा रहे थे, राइट हैंड से ये लीड कर रहे थे, लेफ्ट से आपको ये कॉर्ड्स का सपोर्ट दे रहे थे। अब अगर हम सिर्फ लीड करेंगे, कॉर्ड्स नहीं लगाएंगे और
कीबोर्ड पर बजाएंगे तो कैसा साउंड आता है वो देखिएगा। ठीक है, तो ये लीडिंग का पोर्शन हो गया। अब देखिए किसी गीत का एग्जांपल ले लेता हूं। अपनी तस्वीर को, अपनी तस्वीर को। अब इसको अगर लीड में बजाया जाए कीबोर्ड पर और मेरी संगत जो कीबोर्ड में लीड पर की जाए तो कैसा साउंड करेगा। अपनी तस्वीर को सा ग म ध स नि ध ध, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। तो इसमें बड़ा खालीपन आपको महसूस हो रहा होगा क्योंकि भराव नहीं है। ठीक है, तो ये भराव हम गाते में भी देते हैं तो हारमोनियम पर, एक्चुअली में हम पियानो स्टाइल में ही दे रहे हैं। अपनी तस्वीर को है ना, मैं यहां भी बजा रहा हूं तो ऐसा नहीं बजा रहा हूं। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता, ऐसे नहीं बजाया मैंने, विद भराव, विद कीबोर्ड स्टाइल जो पियानो स्टाइल है उसके साथ बजाया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें डिफरेंस आपको मालूम चला होगा। अब अगर आप पियानो सीखते हैं तो पियानो के अंदाज में ही सीखें, उसे आप हारमोनियम स्टाइल में न सीखें। ठीक है, तो जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 10 थाट होते हैं वैसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में भी वही मेथड होते हैं, बस उनका कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे ही थाट के आधारित पे डोरियन और लीडियन मेथड्स होते हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक में इनके नाम होते हैं। तो मैं कुछ पैटर्न प्ले करके बता रहा हूँ, तो वैसे एक अपना नॉर्मल बॉलीवुड पैटर्न देखते हैं, वो मैं प्ले करके बता देता हूँ। और वैसे ही ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग जगहों का म्यूजिक होता है, कहीं किसी पार्ट ऑफ कंट्री में कंट्री म्यूजिक, R&B, पॉप म्यूजिक प्ले करा जाता है, उसमें एक काफी कॉमन सा पैटर्न है जिसको जैज कहते हैं। तो वो ये कुछ पैटर्न्स थे पियानो के बारे में। तो खैर, आपका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और जो कीबोर्ड आर्टिस्ट आपने अभी देखे दर्श भल्ला, इनको भी आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे इनका हैंडल है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये गानों के साथ भी बजाते हैं, सोलो पियानो भी बजाते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी कला को भी, वहाँ फॉलो करें, ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर भी इनका अवेलेबल है चैनल, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुक्रिया।